हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन, राइट? आप सभी अच्छे होंगे। चैप्टर नंबर 11 हमारा चल रहा है, यू नो वेरी वेल। उसमें भी एक्सरसाइज, उसमें भी हम लोग पहुंच चुके हैं 11.10 पर। बस थोड़े सम्स बाकी है, फिर और अभी हम लोग उसके जो एक्स्ट्रा एक्सरसाइज वाले हैं वो लेटर ऑन सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग मेन एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व कर लें, ताकि आपके सिलेबस का काम अच्छे से आगे हो जाए, राइट? सो लेट मी बिगिन। आई होप कि आप सब लोग ये लेक्चर एंड तक देखोगे और उसमें से जो काम करना होता है कि क्वेश्चन को रीड करो, क्वेश्चन को रीड करो, देन उसके बाद में यहां से समझो जो मैं समझा रहा हूं, और उसके बाद का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आपको राइटिंग करना है, अदरवाइज कुछ हाथ में नहीं आने वाला, क्योंकि ये सम्स है बच्चों। एक ही टाइप्स के सम्स बार बार नहीं आते जैसे टेंथ में मिलते थे। यहां पर तो फिजिक्स है, हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको अलग अलग मेथड ही मिलने वाली है, और उसकी प्रैक्टिस होगी तब जाके आपका काम बनने वाला है, अदरवाइज नॉट, करेक्ट? तो बात आप शुरू कर दोगे समझना कि जो मैं बोल रहा हूं वैसे काम करो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अदरवाइज फिर लास्ट में होगा कि सर आपने बताया और हमने नहीं किया, अभी तकलीफ हो गई, क्या करिए तकलीफ का, कोई उपाय नहीं है। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सफलता के पीछे, कोई भी चीज गेन करनी है उसके पीछे हमेशा मेहनत छिपी रहती है। मेहनत किसी को नहीं देखती है, आप लोग जो काम करने वाले हो या जो बच्चे कर रहे हैं वो किसी को नहीं दिखने वाला, रिजल्ट सिर्फ दिखता है, और उसी के बेस के ऊपर आपके एडमिशंस होते हैं। सो प्लीज टेक केयर ऑफ योर प्रिपरेशन, राइट? आपकी हेल्थ का तो आप ख्याल रखते ही हो, प्रिपरेशन का ख्याल रखो। 11.10 क्या दिया है हमको क्वेश्चन के अंदर, देख लेते हैं बच्चों पूरा का पूरा, है ना? सही है, चलो सबसे पहले 11.10 लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 7.21 × 10⁻¹⁴ हर्ट्ज इज इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस। सो दिस न्यू दैट इज गिवन टू अस एंड इट इज 7.21 × 10⁻¹⁴ हर्ट्ज, ये हमको दे दिया है। ओके, विथ मैक्सिमम स्पीड वी मैक्सिमम, इलेक्ट्रॉन की स्पीड वी मैक्सिमम, विथ मैक्सिमम स्पीड 6 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड, 6 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड स्पीड देख लेना, आर इजेक्टेड फ्रॉम द सर्फेस, वॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर द फोटो एमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट चाहिए हमको, राइट? बस अभी दिमाग में एक फॉर्मूला आपकी बैठ जानी चाहिए कि मैं कौन सी फॉर्मूला यूज करूंगा तो मुझे यह मिल जाएगा म्यू नॉट। अगर लैम्बडा दे दिया होता इसी के ऊपर से तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिल जाती, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दिया होता तो, लेकिन वो नहीं है तो जाना पड़ेगा आइंस्टाइन फॉर्मूला में, राइट? सो फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारे पास ये फॉर्मूला है बच्चों, 1/2 mv² मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू h(ν)-φ। अभी ये फाइन आउट को लेफ्ट में और इसको राइट में ले जाऊंगा, सो देयरफॉर दिस फाइन नॉट इज इक्वल टू दिस h(ν)-1/2 mv². अब ये फाइन नॉट क्या है तो वो तो आपको मालूम ही है, बट दिस फाइन नॉट इज इक्वल टू h(ν)-0, राइट? तो अभी मैं इसको रख दू यहां पर, सो देयरफॉर दिस h(ν)-0 इट इज इक्वल टू h(ν)-1/2 mv². बच्चों आपकी बात तो बन गई, देख लो न्यू नॉट आ गया तो अभी एच को इधर ले जाओ, काम खत्म। सो देयरफॉर दिस न्यू नॉट इज इक्वल टू h(ν)/h -
ओके, वन बाय टू नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे एम वी स्क्वायर अपॉन टू एच। एच प्लैंक कॉन्स्टेंट है, सही है ना, तो ये एच यहां से गया। सो देयर फॉर दिस न्यू नॉट इज इक्वल टू दिस न्यू इज 7.1 × 10⁴ hertz माइनस मास लिखेंगे इलेक्ट्रॉन का, सो 9.1 × 10⁻³¹। स्पीड का स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करके रखना है, सो 6, सो इट इज 36, 10⁵, 10⁻¹, डबल करना है ना भाई, स्क्वायर है स्क्वायर डबल, राइट, एंड देन ट्वाइस एच, सो टू तो वैसा ही रहेगा, देन इट इज 6.63 × 10⁻¹¹। बस अभी ये सम आपके हाथ में हो गया, 7.21 × 10⁴ माइनस ये सॉल्व करो, और 10 का पावर सपोज मैं यहां से देख लू तो कितना मिलेगा, ये −34 है, ऊपर जाएगा +34 हो जाएगा, +34 होने से 31 के साथ में +3 देगा, तो कुछ नहीं करोगे तो ये हो जाएगा 10⁻³। अभी ये 14 है और ये 13 सब्सट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, राइट ना, तो दैटफॉर दिस न्यू इज इक्वल, न्यू नॉट इज इक्वल टू 7.21 × 10⁻¹⁴ माइनस, अभी कर लो यहां पर 14, राइट, अभी 14 कर लेना है, तो यहां पे जो नंबर है ना उसको डेसिमल को शिफ्ट करना पड़ेगा, देन आफ्टर दिस न्यू नॉट यू विल गेट द आंसर इंटू 10⁻¹⁴ एंड हर्ट्ज। दिस इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दैट्स ऑल, क्लियर, एकदम से परफेक्ट वाला, राइट ना। हेलो बच्चों, क्या है, कैसे हो, मजे में, 11.11 में जाएंगे हम लोग, ओके 11.11 क्या है, लाइट ऑफ द वेवलेंथ 488 नैनोमीटर प्रोड्यूस बाय द आर्गन लेजर। हमको क्या कहीं से लाइट मिलनी चाहिए, बस दिस वेवलेंथ, सो दिस इज लैम्डा, दिस लैम्डा इज इक्वल टू 488 10⁻⁹ मीटर, राइट, ओके, देन विच इज यूज इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वेन लाइट फ्रॉम दिस स्पेक्ट्रल लाइन इज इंसिडेंट ऑन द एमिटर, एमिटर का मतलब जिसको इलेक्ट्रॉन एमिट करना है, मतलब फोटो सेंसिटिव सर्फेस, फिर से यहां पर एमिटर का मतलब होता है जो सरफेस इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगी, और वो कौन सी होती है, तो फोटो इलेक्ट्रिक फोटो सेंसिटिव सरफेस, राइट, द स्टॉपिंग और यू कैन से दैट कट ऑफ पोटेंशियल पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0.38 वोल्ट, तो यहां पे लिखेंगे कट ऑफ पोटेंशियल दैट इज इक्वल टू 0.38 वोल्ट, राइट, ओके, फाइंड द वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल फ्रॉम विच द एमिटर इज मेड। क्या चाहिए आपको बच्चों, बहुत सिंपल वाली बात हो गई, फाई नॉट चाहिए, सही है ना, तो अभी कैसे करेंगे हम लोग फाई नॉट के लिए, सो बच्चों सबसे पहले फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आगे जैसा फॉर्मूला लेकिन थोड़ा डिफरेंट, मैंने बताया हर एक बात यहां से अलग होती है, 1/2 mv² मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू यू कैन से दैट एच न्यू माइनस फाइव, आपको ये फाइव चाहिए ना, बस तो इसका फॉर्मूला बना दो, देयरफॉर दिस फाइव नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस 1/2 mv² मैक्सिमम। आप बोलोगे सर ये 1/2 mv² मैक्सिमम तो है नहीं, बस तो फिर उसी की तो जरूरत है रिप्लेस करने की, बट यू कैन से दैट दिस 1/2 mv² मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू यू कैन से दैट ईवी नॉट, राइट, तो अभी ईवी नॉट हो गया, तो अभी हम लोग किसका वैल्यू रखेंगे यहां पर, सो ये हो जाएगा फाइ नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस ईवी नॉट, दैट्स ऑल, काम खत्म। लेकिन इसका यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका यूनिट जूल है, ये जूल में है, और एक रिप्लेसमेंट लेते हैं,
this nu is equal to c upon lambda. So therefore, this phi dot is equal to h c upon lambda minus eV. To convert this one in electron volt, तो यहां पर एच सी अपॉन लैम्बडा का यूनिट होगा जूल एंड एच सी अपॉन लैम्बडा ई का यूनिट होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इतना जूल है तो वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट? तो अभी मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो कैसे? तो आपको कन्वर्जन मालूम है ना बच्चों, वन ईवी इज इक्वल टू 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 जूल. इतना जूल तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये जो है उसके लिए क्या, बस राइट. नाउ वैल्यू पुट अप करो. आप बोलोगे सर हमारा काम स्टार्ट. यस ऑब्वियसली स्टार्ट, राइट? सो इट इज एच सी अपॉन लैम्बडा ई माइनस ई वी. यहां पे नॉट लिखो तो अच्छा है, लिखा है एच 6.63 10 टू द पावर माइनस 34 3 इंटू 10 रेस टू 8 डिवाइड बाय लैम्बडा 488 10 to the power minus 9 and E 1.6 10 to the power minus 19 minus E V naught. अब E V naught क्या है? So ये volt में है, तो अभी मैं इसको ऐसे लिखने वाला हूं, देख लो. E V naught is equal to 0.38 E V. That's it. दोनों साइड E लगा दिया तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कन्वर्जन. चलो तो यहां पर हो जाएगा 0.38. अभी ये देखो 19 एंड 9 कितना होगा 28 28 एंड 8 28 एंड 8 कितना 36 36 एंड 34 तो यहां पे आएगा बच्चों 10 टू द पावर 2. ये मल्टीप्लीकेशन और ये डिवीजन आपकी मर्जी किससे करोगे, लेकिन करना तो पड़ेगा. 0.38 and you will get the answer 0.38. So therefore this phi naught it is equal to जो आंसर आया वो EV में. बस मेरे प्यारे बच्चों आपका काम खत्म, ये सम ओवर है ना. Yes my dear बच्चों, my dear, we are going to calculate the next one. हमारे पास 11.12 है. क्या है? What is the momentum? नंबर बी स्पीड एंड सॉरी कैलकुलेट द मोमेंटम सॉरी सॉरी 12 नंबर है, मैंने 13 रीड कर लिया. 12 कैलकुलेट द मोमेंटम एंड द ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 56 वोल्ट. ओनली दे दिया है एक्सेलरेटिंग वोल्टेज V इज इक्वल टू 56 वोल्ट, राइट? नाउ इसके ऊपर से मुझे नंबर एक क्या चाहिए, मोमेंटम. तो मैं क्या करूंगा, पहले मोमेंटम का फॉर्मूला सोच लूंगा ताकि कोई तकलीफ ना हो. अभी इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम चाहिए तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. आपको मालूम है काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल टू 1/2 mv². अभी m से मल्टीप्लाई किया तो m स्क्वायर v स्क्वायर हो गया और ट्वाइस m हो गया. बच्चों इसको मैं लिखूंगा p स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस m, राइट? सो देयरफॉर दिस p स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस m k. सो देयरफॉर दिस p इज इक्वल टू अंडर रूट ट्वाइस m k. अभी हो गई बात, राइट? So now, therefore, this P is equal to under root 2, 9.1 10 to the power minus 31. अभी K का क्या करेंगे? लाएंगे भाई, दे दिया, देखो भी. Now, kinetic energy of electron is K is equal to लिखेंगे E into V. ये कैसे आया? चैप्टर नंबर 2 से थियरी में भी बताया था पोटेंशियल एनर्जी है ना, बस उसी का कन्वर्जन. सो इट इज इक्वल टू 56 इंटू ई एंड इट इज इन जूल. थोड़ा दूर रखना है जूल को, नहीं तो कुछ अलग मीनिंग निकल जाएगा, राइट? तो अभी मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, देखो ट्वाइस एम ई इंटू वी. हो गई बात?
बस तो अभी 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 एंड वी बच्चों वी 56 बस आंसर तो आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन ये पावर हमेशा इवन रहना चाहिए तभी जाके रूट में ये पॉसिबल बनेगा। सो मल्टीप्लीकेशन डिविजन 10 टू द पावर एंड दिस इज योर आंसर केजी मीटर सेकेंड माइनस मोमेंटम का आंसर राइट ओके। दूसरा कुछ बोला था हमको द ब्रॉगली वेवलेंथ, अरे यार क्या बात है अच्छे से पूछा है द ब्रॉगली वेवलेंथ, द ब्रॉगली वेवलेंथ क्या आएगा। सो दिस लैम्डा इज इक्वल टू यू कैन से दैट इट इज एच अपॉन पी, बस आपका आंसर बन गया भाई एच 6.63 10 टू द पावर माइनस 34 और ये आता है इसको यहां पर रख दो बात खत्म। दिस लैम्डा इज इक्वल टू इट इज इन मीटर दैट्स इट। देखो ये ब्लैंक आपको खत्म करनी है, आपको कैलकुलेशन करके रखना पड़ेगा ये जो है पी ये जो है मोमेंटम ये यहां पर रख दो तब जाके आपको ये आंसर मिलेगा। बाकी तो फिर आप अगर लेजी हो गए सर ने किया हमने रेफरेंस बुक में से देख लिया कुछ नहीं होता है वो चीजें। आई बात समझ में बस तो फिर प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11.13 क्या बोलते हैं वो उसमें व्हाट इज द मोमेंटम स्पीड एंड द ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ विथ काइनेटिक एनर्जी। देखो यहां पर डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी दे दिया है ना, सो काइनेटिक एनर्जी 120 eV नंबर ए में काइनेटिक एनर्जी के दैट इज इक्वल टू 120 eV इसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा सो इट इज 120 इंटू 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। इसका आंसर क्या आता है पता है 1.92 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17 जूल। अभी आप माइनस 90 में रखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मैंने इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 192 दैट्स इट और ये हो जाएगा 90 दैट्स इट ओके। अभी हमको नंबर एक क्या चाहिए व्हाट इज द मोमेंटम, तो लास्ट अभी डिराइव नहीं करेंगे फॉर्मूला, लास्ट जो किया था वही यूज कर लेंगे। नंबर ए मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन दैट इज पी इज इक्वल टू अभी मैं डायरेक्ट लिख देता हूं अंडर रूट ट्वाइस एम के बस बात खत्म। सो देयरफॉर दिस पी इज इक्वल टू अंडर रूट देन इट इज टू 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 एंड के 192 10 टू द पावर माइनस 19 राइट। अभी आपको इसका रूट निकालना है तो एक 10 टू द पावर माइनस वाला आंसर और बाद में इसका आंसर निकालोगे तो आंसर आपको मिलेगा 5.91 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 केजी मीटर सेकेंड माइनस। ये हो गया आपका फर्स्ट आंसर राइट। बी में क्या चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, तो देख लो ये बी है स्पीड, अरे यार स्पीड तो बहुत अच्छे से मिल जाएगी स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैसे है? सो मोमेंटम पी इज इक्वल टू एम वी सो वी इज इक्वल टू पी अपॉन एम है कि नहीं। अभी P में रख देता हूं 5.91 10 टू द पावर माइनस 24 एंड M 9.1 10 टू द पावर माइनस 31 बस यहां पर आपको आंसर मिलेगा डायरेक्टली मीटर पर सेकेंड में राइट। नंबर C में क्या चाहिए बच्चों आपको, नंबर C राइट C में चाहिए द ब्रॉगली वेवलेंथ D ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगा लैम्डा इज इक्वल टू डायरेक्टली एच अपॉन पी
H is 6.63 10 to the power minus 34 divided by P, that is the momentum, 5.91 10 raised to minus 24. ये हो गया वेव का लेंथ, जिसको बोलेंगे वेव लेंथ। ये तो देखो अच्छे से मिल जाएगा 10 का पावर 10 टू द पावर माइनस 10। बस अभी माइनस 10 है तो एंगस्ट्रॉम में भी अच्छे से आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सही है ना, एकदम से राइट। सो खत्म, सम ओवर, क्लियर डियर बच्चा पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11.14। The wavelength of the light from the spectral emission light of sodium is 589 nanometer. Sodium की light को monochromatic light भी बोलते हैं, because normally उसमें single wavelength possible है, exactly तो नहीं है लेकिन फिर भी nanometer. So it is 589 10 to the power minus 9 meter वाली बात हो गई। Find the kinetic energy at which, क्या चाहिए हमको, काइनेटिक एनर्जी चाहिए। सो नंबर ए, ओके, ए फाइंड करने से पहले कुछ फॉर्मूला बताना पड़ेगा, क्यों, ओके, काइनेटिक एनर्जी एट विच एन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन वुड हैव द सेम द ब्रॉगली वेवलेंथ, दोनों के लिए वेवलेंथ चाहिए राइट। सो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूं मोमेंटम का राइट। सो मैं लिखूंगा मोमेंटम P इज इक्वल टू यू नो अंडर रूट ट्वाइस एम के राइट। ऑल्सो लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन बी, सो इट इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट ट्वाइस एम के, टेकिंग द स्क्वायर ऑफ दिस वन, सो यू आर गेटिंग लैम्बडा स्क्वायर इट इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एम के। Therefore, kinetic energy it is equal to K, तो इधर से इधर, so it is H square upon twice m lambda square। तो बच्चों ये हमारा की formula बन गया है right। अभी तो आपका काम बिल्कुल से zero हो गया, क्यों, दो बार यूज करो, दो आंसर ले लो। तो पहले में क्या पूछा है, पहले में पूछा है एन इलेक्ट्रॉन। सो नंबर ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन राइट। सो देयरफॉर दिस के इज इक्वल टू, यू कैन से दैट एच स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एम ई इन टू लैम्डा स्क्वायर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही चेंज होगा और कुछ नहीं। सो इट इज 6.63 स्क्वायर 10 टू द पावर माइनस 34 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, देन इट इज 9.1 10 टू द पावर माइनस 31, लैम्बडा दे दिया है 589 स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर माइनस, डबल करना है, मैंने यहां पर समझ में आया इसीलिए डायरेक्टली डबल नहीं कर दिया, आपके लिए रख दिया है। अभी मैं खाली 10 का पावर आपको बताऊंगा, इंटू 10 टू द पावर 34 का डबल करना है 68 राइट। इधर का जो नंबर है वो 2 9.1 इंटू 589 स्क्वायर 31 एंड 18, जो 10 का पावर आता है वो लिखो इधर, 8 प्लस 1 दैट इज 9 एंड 1 प्लस 3 दैट इज 4 एंड ऑल्सो द पावर माइनस, ओके। बस फिर आपके लिए ये आंसर काइनेटिक एनर्जी का जो मिलेगा वो जूल में होगा। इफ यू वॉन्ट टू कन्वर्ट दिस आंसर इन टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आपको यही आंसर के डिवीजन में क्या करना पड़ेगा बच्चा बर्थडे, इसी आंसर के डिवीजन में आपको दिस के इज इक्वल टू दिस नंबर डिवाइडेड बाय 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 एंड इट इज इन इलेक्ट्रॉन राइट। नाउ नंबर बी चाहिए हम, बी में क्या पूछा है, तो बी में पूछा है 14 के अंदर न्यूट्रॉन बराबर, फॉर अ न्यूट्रॉन, फॉर न्यूट्रॉन
तो काइनेटिक एनर्जी फॉर न्यूट्रॉन दैट इज के एन, राइट। तो ये सब किसके लिए आ गया भाई, इलेक्ट्रॉन के लिए। के एन इज इक्वल टू फॉर्मूला सेम, लैम्बडा स्क्वायर सॉरी एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस एम एन इंटू लैम्बडा स्क्वायर। बच्चों आपको तो वही करना है जो मैंने बताया, 6.63 स्क्वायर। अभी एक बार कर दिया तो दूसरी बार आप जल्दी कर पाओगे। टू न्यूट्रॉन का मास दिया है आपको, अरे यार 14 नंबर में न्यूट्रॉन का मास तो दिया नहीं है, कोई बात नहीं। 1.67 × 10⁻²⁷ बस मैंने आपको दे दिया, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। 589 का स्क्वायर 10⁻²⁸, बस फिर से अभी आपको कैलकुलेशन करना है। दिस आंसर इज इन द यूनिट ऑफ जूल। अभी फिर से इसको ईवी में कन्वर्ट करना है तो 1.6 × 10⁻¹⁹ ये हो जाएगा ईवी में, राइट। ओके अरे भाई समझ लो, बहुत 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 इजी हो जाएगा आपके लिए, चिंता ही करने की जरूरत नहीं, चिंता नहीं करने की, राइट। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच आपको यहां तक देखने के लिए, फिजिक्स समझने के लिए, और आपका रिजल्ट इंप्रूव हो जाए इसके लिए, और आपके जो ख्वाब बने हुए ना डॉक्टर्स इंजीनियर्स अच्छी अच्छी स्टडी अच्छी अच्छी कॉलेज के अंदर, तो इसके लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, आप अपना ख्याल रखिए, अपने स्टडी का ख्याल रखिए, और उसमें भी फिजिक्स, राइट। थैंक यू सो मच।